नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। रिसेंटली मैं इंडिया गई थी और मैंने नायका से काफी शॉपिंग की थी, पर आज की वीडियो में मैं नायका ट्राई ऑन हॉल लेकर आई हूँ और कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं जो मैं पहली बार ट्राई करूंगी और आपके साथ फर्स्ट इंप्रेशन शेयर करूंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रहे वो प्रोडक्ट्स और एक एक करके मैं आपको बता दूँ कि मैंने इनको जब पहली बार आज अप्लाई किया तो मुझे कैसा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम इससे शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले अपने ड्राई लिप्स पे ये लिप बाम अप्लाई किया। अगर आपको पता नहीं है तो बॉलीवुड स्टार कृति सनॉन का खुद का एक स्किन केयर लाइन है जो कि कहलाता है हाइफन, और मैंने ये लिप बाम इसलिए खरीदा क्योंकि काफी वायरल हो रहा था एंड आई रियली वांटेड टू ट्राई इट आउट। ये कुछ ऐसा दिखता है एंड मुझे डेफिनेटली ये बात पॉइंट आउट करनी है कि इसका जो प्राइस पॉइंट है मुझे ठीक लगा फॉर अ सेलिब्रिटी ओन ब्रांड। ओके, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं इसका प्राइस पॉइंट अच्छा लगा। पैकेजिंग आप देख सकते हो कितनी अच्छी है। अगर आपके पास बहुत सारे लिप बाम्स है तो आप आराम से इसे देख पाओगे कि किसका जो कलर है वो काफी अट्रैक्टिव है और आपको आराम से ढूंढने में आसानी होगी इस लिप बाम को। एंड आउटर पैकेजिंग के अलावा मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर से कैसा दिखता है। डेफिनेटली यहाँ पे मैंने इसे जब पहली बार अप्लाई किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ग्लॉस अप्लाई कर रही हूँ। इट इज टू लिक्विडी इज व्हाट आई फेल्ट। वनीला लाइक फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा सटल है, ओवरपावरिंग नहीं है कि आपके सर में दर्द हो जाए। एंड जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये थोड़ा सा सटल हो गया, वो ग्लॉसीनेस थोड़ी सी सबसाइड हो गई थी। एंड मेरी जो ड्राई लिप्स है डेफिनेटली मुझे ऐसा लगा कि मेरी लिप्स बहुत अच्छी लग रही हैं दिखने में भी और महसूस भी अंदर से अच्छा हो रहा था। बेसिकली मुझे ऐसा लगा जैसे मॉइस्चराइज्ड लग रही है मेरी लिप्स, तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत सही लगा। तो फर्स्ट इंप्रेशंस के हिसाब से आई एम क्वाइट हैप्पी विद दिस वन। देखो एक बात तो मान लो कि ड्राई लिप्स के लिए बहुत अच्छा लिप बाम तभी साबित होगा अगर मैं बहुत लंबे समय तक इसको अपने लिप्स पे रखूं, तभी मैं आपको बता पाऊंगी कि इसकी लॉन्जिविटी कैसी है, ये टिका नहीं टिका। सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल फॉर दैट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट दिस वन। ये मेरे विशलिस्ट पे बहुत समय से था और ये काफी वायरल प्रोडक्ट ही। एक स्किन टिंट है बाय स्मैश बॉक्स। ये कुछ ऐसा दिखता है। ये 1690 रुपीज का आता है और काफी महंगा है फॉर द साइज दैट आई गॉट। डेफिनेटली इसका बड़ा साइज जो आता है वो और महंगा, आई थिंक 3000-4000 के आसपास आता है वो प्रोडक्ट। मैंने इंडिया से ऑफकोर्स नायका से लिया है और मुझे वहां पर भी फुल प्राइस पे करके ही मिला। ये कोई सेल नहीं थी इवन दो आई परचेज ड्यूरिंग नायकास पिंक समर सेल। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। आउटर पैकेजिंग आप देख सकते हो, शेड आप देख सकते हो, लाइट मीडियम शेड मैंने पिक किया है। एंड ये इस तरीके की ट्यूब पैकेजिंग में आता है। ये एक स्किन टिंट है एंड ये शीयर टू मीडियम कवरेज देगा। मेरे काफ़ी एक्ने स्कार्स भी हैं तो उसको ज़्यादा कवरेज नहीं मिला। मैंने इसे पहली बार अप्लाई किया तो एक बहुत अच्छा सा ग्लोई इफेक्ट दिखा मुझे। आई एम अ ड्राई स्किन टाइप गर्ली, मुझे ग्लोई स्किन टिंट्स फाउंडेशंस बहुत अच्छे लगते हैं, नहीं तो मैं अपने फाउंडेशन में ही लिक्विड इल्यूमिनेटर या हाइलाइटर मिला लेती हूँ फॉर दैट ग्लोई इफेक्ट। तो मुझे उसको करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे ऑन इट्स ओन भी यूज़ कर सकती हूँ। ओके, मैंने इस प्रोडक्ट को दूसरी बार भी अप्लाई करके देखा और मुझे बहुत अच्छा कवरेज लगा, मीडियम कवरेज वाज देयर। एंड जहाँ जहाँ एक्ने था, एक्ने स्कार था, मैंने वहाँ पर कंसीलर लगाया और मेरा काम चल गया। ओवरऑल इसका जो फिनिश है वो ग्लोई फिनिश है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली स्पीकिंग, पर ये स्वेट प्रूफ या स्वेट रेजिस्टेंट नहीं है। आज ही पता चल गया मुझे क्योंकि मैं काफ़ी स्वेट कर रही थी, काफ़ी यहाँ गर्मी हो रही है तो मुझे काफ़ी पसीना आ रहा था एंड ये इधर उधर से बह गया था इज व्हाट आई हैव टू से। ओवरऑल मुझे इसका फिनिश भी अच्छा लगा, इसका जो कवरेज है वो भी अच्छा लगा, मेरे स्किन पे जैसे दिख रहा है, स्किन लाइक लग रहा है वो भी अच्छा लगा। आई विल कंटिन्यू यूजिंग इट सो एज टू यू नो फाइंड आउट कि लॉन्ग वेयरिंग है या नहीं। सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल फॉर दैट। फाइनली आई हैव गॉट माई हैंड्स ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम कलरपॉप। तो कलरपॉप एक ऐसा ब्रांड है जो कि बहुत सालों से है मार्केट में और उनका ये पर्टिकुलर वेरियंट फ्रॉम द सुपर शॉक रेंज काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था तो मैं सोचा मैं भी खरीद लेती हूँ। ये रिट्स वेरियंट में है और कुछ ऐसा दिखता है। इसे अर्बन डीके के एक आई शेडो के साथ कंपेयर किया जाता है और उसका ड्यूप बुलाया जाता है, बट आई वॉज लाइक ओके फाइन आई डोंट वॉन्ट द अर्बन डीके प्रोडक्ट, आई वुड लाइक टू परचेज दिस बिकॉज मुझे किफ़ायती दाम पर नायका पर मिल गया था। सो दिस इज हाउ द प्रोडक्ट लुक्स लाइक, इट्स सो ग्लॉसी टू लुक एट, वाओ। और ये ना अगर आप इसे टच करोगे थोड़ा सा क्रीमी सा भी आपको लगेगा। बहरहाल मैंने इस लिड पे अपने फिंगर को यूज़ करके इस प्रोडक्ट को पैक किया था, काफ़ी फॉल आउट हुआ और मैंने फिर मेकअप रिमूवर की मदद से उस प्रोडक्ट को हटा दिया और स्पार्कल जो है यहाँ पे बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा है ये, अगर आप एक बिगनर हैं तो उस तरीके से ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। मैं बताती हूँ आपको यूज़ कैसे करना है। मैं हमेशा निक्स का ग्लिटर प्राइमर अप्लाई करती हूँ जो कि मैंने यहाँ किया और उसके ऊपर इस प्रोडक्ट को पैक किया, जीरो फॉल आउट। सो यू बेटर यूज समथिंग लाइक दैट यू नो। और ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। कलरपॉप के बहुत सारे सुपर शॉक आई शेडोज मेरे कलेक्शन में हैं एंड आई हैव जस्ट एडेड इट। आई एम सो हैप्पी कि शेड वाइज भी बहुत अच्छा है और पार्टी फंक्शन में आप आराम से इसे यूज कर सकते हो ऑन इट्स ओन। मैंने भी आज रिमल का ब्रॉन्जर अप्लाई किया अपने क्रीज पे और आउटर वी पे और लिड पे से पैक किया। आई थिंक इट्स अ रियली गुड सॉफ्ट ग्लैम लुक। व्हाट डू यू थिंक, डू कमेंट डाउन बिलो। नेक्स्ट अप इज दिस, मैंने ये हुडा ब्यूटी का क्रीमी कोल इन द वेरिएंट वेरी ब्राउन खरीदा और मुझे 50% ऑफ पे मिल गया। नायका पे आपको 50% ऑफ पे हुडा ब्यूटी के प्रोडक्ट्स
आराम से मिल जाते हैं सेल टाइम पे। दिस इज हाउ द आउटर पैकेजिंग लुक्स लाइक। मैंने जब इसे खोला सबसे पहले तो ये वैसे ही टूटा निकला। आई वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड बिकॉज ये क्रीमी कोल है, तो यू नो अक्सर ऐसा हो जाता है क्रीमी कोल्स टूट जाते हैं। लेट मी स्वॉच इट फॉर यू। अगर वो ज़्यादा क्रीमी तो टूट जाते हैं, राइट? सो दिस इज द शेड दैट आई पिक्ड। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद दिस पर्टिकुलर ब्राउन, और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि एकदम एक्सट्रीमली ब्लैक क्लीनिंग है। अक्सर ऐसा हो जाता है कि ब्राउन कोल ढूंढने जाओ और वो ब्राउन कम और ब्लैक क्लीनिंग ज़्यादा निकल जाते हैं। बट आई लाइक दिस शेड ऑफ ब्राउन राइट हियर। और मैंने इसे यूज़ किया आज अपनी वाटर लाइन पे, और आप देख सकते हो मैंने विंग लाइन भी ड्रॉ किया है आज। तो मैंने जब इसे अपने वाटर लाइन पे अप्लाई किया ना, मुझे डेफिनेटली ऐसा फील हुआ कि मुझे बार बार अपने वाटर लाइन पे से अप्लाई करना पड़ रहा है। और मैंने जब विंग लाइन ड्रॉ किया तो आराम से हो गया था। तो विंग लाइन तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से ड्रॉ कर पाई हूँ मैं। पॉइंटी भी है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा टेप वगैरह यूज़ नहीं करना पड़ा। इसको सिंपली मैंने यूज़ किया और इसका टिप भी जबकि टूटा हुआ था फिर भी मुझे लगता है कि मेरा विंग लाइन है सही से मैं ड्रॉ कर पाई। और जो मेरा वाटर लाइन है उस पर डेफिनेटली जब मेरा मेकअप मैंने फिनिश किया तो वापस से मुझे इसे लगाना पड़ा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू बी अ बिट मोर इंटेंस और आराम से मेरे वाटर लाइन पर भी दिख जाता, पर मेरे लोअर लैश लाइन पर मैंने इसे अप्लाई किया तो आराम से हो गया। पर मेरे वाटर लाइन पर मुझे समहाउ ऐसा लगा कि अच्छे से ट्रांसलेट नहीं हो रहा, उतना इंटेंस नहीं है जितना मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना अपर लैश लाइन पे। सो दैट्स दैट। और डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहूँगी, हाथ पे मैंने इसे अप्लाई करके स्मज किया था तो काफ़ी रगड़ना पड़ा था और तब जाके स्मज हुआ था। आई एम नॉट रियली श्योर कि लिड पे या फिर मैंने इसे लैश लाइन पे लगा रखा है तो तब ये कितना स्मज होगा। बट फिलहाल अभी मेरे मेकअप को लगा के हो चुके हैं आधे घंटे और अब तक मेरे लोअर लैश लाइन से ये ब्लीड नहीं हुआ है और ना ही मेरे क्रीज पे ये ट्रांसफर हुआ है, जो कि अक्सर मैं कोई कोल पेंसिल या जेल पेंसिल लगा लूँ ना तो हो जाता है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज़ इट ऑल द। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई गॉट माई हैंड्स ऑन दिस। और ये के ब्यूटी का लिक्विड हाइलाइटर है, तीन डिफरेंट शेड्स में आता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला कि प्लीज़ आप इसे ट्राई करो, हमें बताओ कि हमें इसे खरीदना चाहिए या नहीं। मैं आपको सीधा सीधा बताती हूँ, इट्स वन ऑफ द बेस्ट हाइलाइटर्स दैट यू विल कम अक्रॉस। आप देख सकते हो मैंने इसे अप्लाई किया है और इसका जो फिनिश है स्किन लाइक फिनिश है। कम क्वांटिटी अगर लगाओगे तो आपको इतना बीमिंग इफेक्ट नहीं देगा, बहुत ज़्यादा सटल इफेक्ट देगा और बहुत अच्छा लगेगा, स्किन लाइक लगेगा, एकदम ओवर पावरिंग नहीं लगेगा, ओवर द टॉप नहीं लगेगा। एक बार जरूर बताना चाहूंगी, मैंने जब प्रोडक्ट पंप आउट किया था ना, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट एक बार में पंप आउट हुआ था। इतना कि मैं ऐसे फाउंडेशन में मिक्स करके यूज़ करूँ उतना था वो क्वांटिटी, जो कि मेरे हिसाब से मैंने वेस्ट ही किया है। मुझे बहुत कम प्रोडक्ट की ज़रूरत थी एंड आई कुड कवर माई यू नो बोथ द चीक बोन्स, और उसके अलावा भी काफ़ी प्रोडक्ट मैंने वेस्ट किया है आज। तो वो एक चीज़ मैं आपको ज़रूर से बताना चाहूँगी कि मेरे साथ आज हुआ। पैकेजिंग लुक्स नाइस, इट्स जस्ट दैट आप जितना एक बार पंप करोगे, तो पंप मैंने जब किया था मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट एक ही बार में इसने पंप आउट करके दिया, विच आई समहाउ एंडेड अप वेस्टिंग। अदरवाइज द प्रोडक्ट, लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट, इट इज़ सो गुड एंड ग्लिसनिंग इफेक्ट देख रहे हो आप, बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरी ड्राई स्किन टाइप है ना, आई लव समथिंग लाइक दिस। मैं इसे फाउंडेशन में भी मिक्स करके यूज़ कर सकती हूँ, ऑन इट्स ओन भी यूज़ कर सकती हूँ। इसमें किसी तरह का चंक ग्लिटर नहीं है, स्पार्कल नहीं है, शिमर नहीं है, कुछ नहीं है। इट्स सो फाइनली मेड, सो वेल डन, वेल फॉर्मुलेटेड, बिल्कुल भी मुझे पैचीनेस नजर नहीं आई। एक बार मैंने लगाया अपने फाउंडेशन के ऊपर, इसे अच्छे से ब्लेंड आउट किया, मुझे किसी भी तरीके का पैचीनेस नहीं दिखा। सो आई एम इम्प्रेस्ड। तो आप मुझे बताना ज़रूर से कि आपको आज की वीडियो में सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा, क्या आपने इनमें से कोई प्रोडक्ट ट्राई किया हुआ है, आपका कैसा एक्सपीरियंस था, या इनमें से कोई प्रोडक्ट आप ट्राई करना चाहते हो और आपने इस वीडियो को देखा और आपको समझ आया कि वो प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, डू कॉमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको अगली कौन सी वीडियो देखनी है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ खत्म करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अपना ध्यान रखेंगे। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। यू टेक केयर, बाय।